दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू धर्म विरोधी बयान देने का आरोप लगा है। वो दिल्ली में बौद्ध धर्म में दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए। आरोप है कि उन्होंने यहां लोगों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने मुफ्त सामान देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। बीजेपी ने राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा मांगा है, साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। मैं अरविंद केजरीवाल का ट्विटर आईडी निकाल रखता हूं, जिस पे लिखा है, सब इंसान बराबर हो, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोग, भाईचारा और मोहब्बत हो उनमें, न कि नफरत और बैर। अरविंद केजरीवाल, अगर आपकी ये लाइनें सत्य है तो आज आपको उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना ही चाहिए। बीजेपी के आरोपों का दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मुद्दे में धर्म वाली राजनीति करती है। बौद्ध धर्म की शपथ के दौरान ये प्रतिज्ञाएं ली गई। उन्होंने कहा बीजेपी बेवजह मुद्दों को तूल दे रही है। उधर शपथ को लेकर विवाद के बीच खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से नाराज हैं। आप 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़ी है तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुद्दा नहीं है, वो हर चीज को धार्मिक आयोजन को भी राजनीति में घसीटती है। इसका किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीति से, किसी धर्म को आस्था पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म की दीक्षा का आयोजन हजारों जगह पर पूरी दुनिया में हर साल होता है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। वो अभी भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के CCU में जीवन रक्षक दवाओं पर हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलायम सिंह का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अखिलेश यादव से मिलकर नेताजी का हाल जाना। राजनाथ से पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मेदांता पहुंचे थे। मुलायम सिंह को सांस लेने में तकलीफ के चलते रविवार को ICU में शिफ्ट किया गया था। बिहार के बघा में आदमखोर बाघ का आतंक जारी है, उसे मारने के आदेश जारी किए गए हैं। बिहार के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने आदमखोर बाघ को मारने के लिए NTCA को पत्र लिखा था, जिस पर NTCA ने बाघ को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। 8 मई से लेकर अब तक आदमखोर बाघ 8 लोगों को निशाना बना चुका है। कहा जा रहा है कि बाघ को पकड़ने के लिए पिछले कई दिनों से वन विभाग की टीम लगी हुई है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा।